दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि जितना आप लूफी को स्ट्रॉन्ग मानते हैं उतना लूफी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं तो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव, आप देख रहे हैं एनिमे लवर। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है लूफी कितना स्ट्रॉन्ग है? मैनी ऑफ यू माइट से कि लूफी इतना तो स्ट्रॉन्ग है ही कि वो किसी भी कैरेक्टर को हरा देगा जो काइडो से थोड़ा सा भी वीक है, जैसे कि कोई भी एडमिरल। ऑल्दो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एडमिरल्स काइडो से वीक है, बट फॉर अ मिनट हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि एडमिरल्स काइडो से वीक है। तो मान लो कि जरूर जैसा कोई अगर अभी के टाइम पे लूफी से फाइट किया, तो तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा, लूफी की जरूर? मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि अगर किजारु काइडो से वीक है तो अभी लूफी पक्का किजारु के अगेंस्ट जीत जाएगा, बट इट्स नॉट दैट सिंपल ब्रो। लूफी शायद तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना तुम उसको समझते हो। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, हु इज स्ट्रॉन्गर, करंट लूफी और काइडो? मुझसे अगर तुम पूछोगे कि अभी के टाइम पर मुझे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लूफी या काइडो, तो माई आंसर विल बी काइडो। यस, इवन दो लूफी ने उसको 1v1 में हराया, काइडो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लूफी से। अच्छा, हम लोग फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है, जिससे मुझे लगता है कि सब अग्री करेंगे। लूफी काइडो का फाइट फिनिश हुए करोड़ साल हो गया और लूफी ने काइडो को हरा दिया, और फाइट के एक पॉइंट पे तो लूफी गंदा डोमिनेट भी कर रहा था काइडो को। बट क्या लूफी एक्चुअली में काइडो को हरा पाता अगर उसका अवेकनिंग नहीं होता तो? अब ये भी सबको पता होना चाहिए कि लूफी ने खुद से या फिर गलती से भी अवेकनिंग नहीं किया था। इट वॉज लूफीज फ्रूट विच गॉट अवेकंड। बिफोर अवेकनिंग लूफी वॉज अनकॉन्शियस, एंड नेका फ्रूट के अवेकन होने के बाद भी लूफी को कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस अचानक से अच्छा और स्ट्रॉन्ग फील किया और वो फ्लो में पेल दिया काइडो को। और इस फ्रूट की अवेकनिंग को गोरोसे का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एकदम कन्फर्म करता है, जो कि उसी टाइम पे गोरोसे ने बोला था, उसी चैप्टर में गोरोसे ने बोला था, जो कि ये है कि जवान फ्रूट्स का खुद का विल होता है। सो या, लूफी ने खुद से अवेकन नहीं किया अपने फ्रूट को, बट निका फ्रूट खुद से अवेकन हुआ। अच्छा, अभी वानों में एज यू नो रियोकोग्यू आया है। लेट्स जस्ट अज्यूम कि रियोकोग्यू काइडो के जितना स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अभी लूफी वर्सेस रियोकोग्यू होता है तो क्या लूफी रियोकोग्यू को हरा पाएगा? एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि क्या लूफी का फ्रूट फिर से अवेकन हो पाएगा रियोकोग्यू के अगेंस्ट? और अगर इसका आंसर है हाँ, फिर ये हमेशा वाला चीज़ नहीं हो जाएगा कि जब लूफी हारने वाला होगा उसका फ्रूट एकदम चमत्कार करके उसको बचा लेगा? फिर तो लूफी को कभी अपने अवेकनिंग मास्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ऐसे ही बिना मास्टर किए वो काइडो जैसे को पेल दिया, कोई टॉप टियर उसके सामने आया, मान लो लड़ेगा वो दुनिया भर का, और जैसे ही मरने वाला होगा उसका फ्रूट अवेकन होगा और फिर सामने वाला डेड। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर तो सारा क्रेडिट लूफी के फ्रूट को जाएगा ना, ना कि लूफी को। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लूफी के फ्रूट का अवेकनिंग था ना, ये एक बार वाला चीज़ था। लूफी के फ्रूट काइडो के अगेंस्ट तो अवेकन हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो अवेकन हो जाएगा। एंड अगर ऐसा है कि ये सिर्फ एक बार वाला ही चीज़ था, तो फिर लूफी को अपने अवेकनिंग मास्टर करना ही पड़ेगा टू कम्पीट विथ टॉप टीयर कैरेक्टर्स, चूँकि ऑब्वियसली वो करेगा ही। एंड हाँ, यहाँ पे ये मत बोलना कि काइडो भी तो अपना फ्रूट यूज़ किया लूफी के अगेंस्ट। काइडो और लूफी का केस अलग है, ठीक है, काइडो खुद से अपने विल पर अपने फ्रूट की पावर्स यूज़ कर रहा था, बट लूफी के केस में लूफी को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, वो बस फ्लो में लड़ रहा था। इस पॉइंट पर भी अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो अभी तुम समझ जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि लूफी एक्चुअली में अभी उतना स्ट्रॉन्ग है जितना वो अपने अवेकनिंग से पहले था। मतलब कि लूफी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सारे हाकीज को एडवांस फॉर्म में यूज़ कर सकता है लंबे समय तक, वो स्नेकमैन फॉर्म से बाउंसमैन फॉर्म में इंस्टेंट ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो काइडो जैसे टॉप टियर कैरेक्टर से 1v1 में हद लंबे टाइम तक लड़ सकता है। बट क्या वो काइडो जैसे टॉप टियर कैरेक्टर को हरा सकता है और डोमिनेट कर सकता है जैसे उसने अपने अवेकनिंग के बाद किया था? नहीं। हाँ, अवेकनिंग के बाद लूफी काइडो जैसे टॉप टियर कैरेक्टर्स को हरा और डोमिनेट कर सकता है, लेकिन अगर लूफी का फ्रूट अवेकन नहीं हुआ तो लूफी ख़त्म है। और जिन भी लोगों को लगता है कि लूफी काफ़ी अर्ली स्टेज पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, दिस थिंग जस्टिफाइज इट। इधर पर कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्रो, 5 साल में स्टोरी ख़त्म होने वाली है और अब जाके लूफी को इतना बड़ा बफ मिला है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लूफी को ये बफ ऐसे कैरेक्टर के अगेंस्ट मिला है जो कि शायद तक वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था एट प्रेजेंट। अगर हम अज्यूम करें कि ब्लैकबेट काइडो से एट प्रेजेंट वीक है, फिर तो लूफी ऐसे हलवे की तरह हरा देगा ना उसको। लेकिन मैंने जो बोला, अगर वो सच होता है
तो फिर लूफी को अपने अवेकनिंग को मास्टर करना पड़ेगा ब्लैक बेल्ट जैसो को हलवे की तरह हराने के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने किज़ारू को एज एन एग्जांपल बोला था कि अगर वो और लूफी दोनों 1v1 में लड़े तो कौन जीतेगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से एकदम सिंपल है, अगर किज़ारू प्री अवेकन लूफी से वीक है तो लूफी, अगर किज़ारू प्री अवेकन लूफी से स्ट्रांग है तो किज़ारू, अगर किज़ारू एक्चुअल में काइडो से वीक है तो फिर लूफी उसको अवेकनिंग करके हलवे की तरह हरा देगा। अगर किज़ारू काइडो से स्ट्रांग है तो मे बी लूफी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अवेकनिंग के बाद भी, और क्या पता वो हार भी जाए। एंड अभी मैंने जितना भी बताया अगर वो होता है तो फिर लूफी अभी जितना स्ट्रांग है उससे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है बाय लर्निंग व्हाट ही डिड वंस अगेंस्ट द वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट क्रिएचर। इट्स लाइक गोकूज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, एनमे में कैसे वो जब यूआई करा था तब वो एक अलग ही लेवल पर था, बट बाद में वो उसको वापस से यूज़ नहीं कर पा रहा था अनटिल ही मास्टर्ड यूआई, एंड यूआई मास्टर करने के बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। दिस वे लूफी का ग्रोथ और ज़्यादा हो सकता है, एंड ये चीज़ होने से लूफी पर भी इसका इफेक्ट होगा ही। लूफी भी समझ जाएगा कि पहले जो हुआ था वो बार बार अपने आप नहीं होगा, मुझे खुद से वो करना सीखना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने वीडियो बनाया क्योंकि आजकल ऑडियंस ओवररेट तो नहीं बट लूफी को सबसे स्ट्रांग मान रही है, विच इज़ वेरी नेचुरल, आफ्टर ऑल उसने वर्ल्ड के स्ट्रांगेस्ट क्रिएचर को हराया है। बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दैट उसका फ्रूट कितना की रोल प्ले किया था काइडो के डिफीट में। हो सकता है मैं गलत हूँ, अग्री या डिसअग्री करते हो मेरे ओपिनियन से तो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। अभी मैं एक और लूफी पे वीडियो बनाने का सोच रहा है जो कि उसके फाइनल फॉर्म के ऊपर होगा, उस पर भी जल्दी वीडियो आएगा शायद। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।